थिएटर के ऊपर साउंड खोलोगे, मतलब आवाज खोलोगे पूरा, तो बाहर के लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई 5.1 होम थिएटर इनके घर में बज रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आवाज को कैसा खोल सकते हो। अगर आपको ये बात नहीं समझी होगी तो मैं फिर से बताता हूँ, आवाज को खोलना मतलब क्या होता है। अगर आपके घर में होम थिएटर है, आप कार के अंदर साउंड वगैरह कुछ बजाते हो, तो आवाज को कैसा इंक्रीज करना होता है, जो कि हमारा साउंड, जो बेस, ट्रेबल, वोकल सब अच्छे तरीके से बाहर निकल सके, उसका आउटपुट हमको अच्छे से मिल सके। तो बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो को देखना और एंजॉय करना वीडियो को भी। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2.1 होम थिएटर यूज करने वाला हूँ, जो कि आपने पहले वीडियो देखे होंगे मेरे, तो उसके अंदर मैंने, मतलब मेरे पास में 2.1 होम थिएटर ही है, तो बाकी सभी वीडियो के अंदर मैंने उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है। और 2.1 जब आप होम थिएटर के ऊपर साउंड खोलोगे, मतलब आवाज खोलोगे पूरा, तो बाहर के लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई 5.1 होम थिएटर इनके घर में बज रहा है। थोड़ा बहुत साउंड जो है, जो बेस है, वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे बाहर के कि इसके घर में 5.1 बज रहा है, लेकिन रियलिटी आपको ही पता होगी कि आपके घर में 2.1 होम थिएटर है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा देना, आपको रेड कलर का दिख रहा होगा तो उसको ब्लैक कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर देना। इससे क्या होगा, जब भी मैं वो नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐप यूज कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम में बूम ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसके पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखे हुए हैं, तो इसके अंदर मैं आपको आवाज कैसा खोलेंगे तो वो बताने वाला हूँ। तो ये एक NCS का गाना मैंने ले लिया है, इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिए, अब मैंने आवाज फुल कर दिया। ऐसा आपको इक्वलाइजर सेट करना है, इक्वलाइजर जितना ऊपर हो जाएगा ये, इससे क्या फर्क होता है इसके अंदर, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप, आपका नॉर्मल इसके अंदर जो आपको इनबिल्ट इक्वलाइजर मिलते हैं, तो ये इतना अच्छा कुछ आउटपुट नहीं देते आपको, तो इससे अच्छा हम अपने हाथ से एडिट करते हैं, ठीक है। तो एडिट करने के बाद में जो आपको यहाँ पे बार्स मिलते हैं उसको आपको एडजस्ट करना होता है। तो अभी मैं आपको बॉलीवुड के सॉन्ग सुनाता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा म्यूजिक सुनाऊंगा मैं, ताकि कॉपीराइट ना लगे, ठीक है। तो जैसे कि एक सॉन्ग ले लेंगे हम, आपको 2.1 होम थिएटर का आवाज कैसा खोलते हैं। आपके पास में 5.1 होम थिएटर होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर इक्वलाइजर का इफेक्ट जो है बहुत
मेन काम करता है आपके साउंड जब आप बजाते हो तब, साउंड जब आप बूस्ट करते हो तब, अगर कोई बाहर से आपके गाने को सुनता है, घर के अंदर जब आप गाने बजाते हो तब कोई बाहर से सुनता है तो उनको जो मज़ा आता है, मतलब घर के अंदर तो मज़ा आना लाजमी है, जो बाहर मज़ा आता है तो उनको ऐसा लगेगा कि अगर आप 2.1 होम थिएटर बजा रहे हो तो उनको लगेगा 5.1 होम थिएटर बज रहा है। तो ऐसा साउंड जो है ये बाहर से सुनने को आता है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप ऐसा करके देखो और बाहर जाके सुनना, तब फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसा आपको सुनने को लगता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।